वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। दोस्तों आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने से आपका फ़ोन हैक भी हो सकता है या फिर आपके फ़ोन में इतने सारे ऐड शो होने लगेंगे शायद आपको अपने फ़ोन को रिसेट मारना पड़े, जिसकी वजह से आपका काफ़ी डाटा लॉस हो सकता है। क्योंकि एक फ़ोन को रिसेट मारना मतलब मैं समझता हूँ, जहाँ तक तो मुझे पता है, हमारे बहुत सारे डाटा लॉस हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें लॉस हो जाती है, या फिर रिसेट मारने से पहले जो आप उसको डाटा कहीं सेव भी करते हो उसको भी बहुत टाइम जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आखिर ये चीज़ क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, आप सभी के साथ ऐसा हुआ भी होगा या अभी तक अगर नहीं हुआ है तो शायद भविष्य में आगे कभी ऐसा हो भी सकता है। आप लोग जब कोई वेबसाइट से कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, देखिए क्या होता है, आप कभी कोई वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाने के बाद कोई एक दो ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पे जहाँ पे आपका मन करता है क्लिक कर लें, आपको अट्रैक्ट करने के लिए दिखाई जाती है, यहाँ पे क्लिक करो आपका फ्री रिचार्ज हो जाएगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आपका ऐप आपके मतलब आप किसी का हैक कर सकते हो व्हाट्सएप, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो तो आप मतलब इतना रुपया आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारी फेक वेबसाइट्स होती हैं, डेफिनेटली इससे बहुत सारे स्कैम करते हैं ऐसे वेबसाइट्स। तो होता क्या है और मतलब वो किस तरीके से पैसा कमाती है, इसका मतलब ये मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स मतलब क्या करते हैं कि एक ऐसा एप्लीकेशन बना देते हैं, उस एप्लीकेशन के अंदर मतलब वो लोग ऐड इंटीग्रेट कर देते हैं किसी अदर ऐड नेटवर्क का, ठीक है। और जब वो लोग उस एप्लीकेशन को बना के मतलब उस एप्लीकेशन में ऐसा सिक्योरिटी डाला जाता है कि अगर वो एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर ले रहे हैं तो आप उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे, आप उसे अनइंस्टॉल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी डाल दिया जाता है और उस एप्लीकेशन को बनाया इस तरीके से जाता है कि इंस्टॉल करने के बाद वो दिखेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन है भी। ये चीज़ें गलती से हो जाती है, किसी के साथ भी हो सकता है, इवन मेरे साथ एक दो बार खुद हुआ है, आज से कुछ 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ जब मुझे इसके बारे में पता नहीं था, बट ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, शायद अभी आपके साथ नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में आपके साथ हो सकता है या फिर अभी आपके साथ हो भी चुका होगा। तो दोस्तों होता ये है ना कि डेवलपर्स ऐसे एप्लीकेशन बना के किसी वेबसाइट्स पे डाल देते हैं या इसको थोड़ा बहुत बूस्टिंग प्रमोशन करा देते हैं, तो लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, गलती से डाउनलोड करके कह लीजिए, इंस्टॉल कर लेते हैं, या कुछ लोग जानबूझ के इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद उनको मिलता कुछ नहीं है, इंस्टॉल हो गया एप्लीकेशन बस, और बाद में फिर वो उनके एप्लीकेशन में दिखता भी ना, वो अनइंस्टॉल कैसे करेंगे जब उनको पता ही नहीं रहेगा कि एप्लीकेशन उनके फ़ोन में है भी या नहीं। इंस्टॉल होने के बाद सिंपल आपका फ़ोन नॉर्मल जैसे चलने लगता है और जो यूज़र्स रहते हैं फिर अपना जो भी नॉर्मल डेली वर्क व्हाट्सएप पे चैटिंग फेसबुक या कॉलिंग जो भी करते हैं वो अपना नॉर्मल काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बीच में कुछ 10 सेकेंड 15 सेकेंड या 20 सेकेंड बाद उनको ऐड शो होने लगेगा या फिर एक दो घंटे बाद उनको ऐड शो होने लगेगा। उस ऐड पे अब समझिए चले कि अब ये एक दो दिन होगा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है, कंटिन्यूसली एक महीने तक वो लोग कंटिन्यूस ऐड को मतलब इरीटेट हो जाते हैं, कुछ लोग तो उसे डिलीट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और लास्ट फाइनल उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको फ़ोन को रिसेट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो ऐड का पैसा होता है वो उस डेवलपर के पास जाता है जिसने उसको बनाया है, ठीक है। समझ के चलिए कि वैसे एप्लीकेशन अगर उसके 10,000 लोगों ने भी डाउनलोड कर लिया तो उसका रेवेन्यू यू कांट बिलीव 1 लाख के अबाव रहता है, यानी कि अगर उसे 10,000 लोग भी डाउनलोड कर ले रहे हैं तो वो 1 लाख से ज़्यादा रुपये कमाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो एप्लीकेशन जो उसका जो एप्लीकेशन है वो तो पहली बात आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो, उसके ऐड को हटा भी नहीं सकते हो आप, वो किसी भी प्रकार का ऐड आपके एप्लीकेशन आपके मोबाइल में चलवा सकता है क्योंकि कंट्रोल उसके पास है, ठीक है। प्लस आपके कॉन्टैक्ट्स आपके डाटा को भी वो हैक कर सकता है, आप क्या चैटिंग कर रहे हो, आपका क्या कॉन्टैक्ट किससे कॉन्टैक्ट है, या फिर आपके पर्सनल वीडियोज भी वो हैक कर सकता है, डेफिनेटली वो रिकॉर्ड कर सकता है, उस चीज़ को पूरा उस पास कंट्रोल पैनल होता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई एक मतलब ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, पहली बात तो आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए क्योंकि प्ले स्टोर में इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी सिक्योरिटी बरती जाती है वहाँ पे, मतलब ऐसे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आपको कभी नहीं मिलेंगे, ये एप्लीकेशन आपको मिलते हैं वेबसाइट्स पे क्योंकि वहाँ पे इनको अथॉराइज मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप गूगल इतने सारे थोड़ा दिखेगा, इतना सारा थोड़ा क्रॉस चेक करेगा वो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके मतलब वो क्या चीज़ आपसे अलाउ करवा रहा है, ठीक है, ये भी आप पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। प्लस वो इंस्टॉल आप किस पर्पज़ से कर रहे हो ये भी ध्यान रखो, किसी ऑफर को लेकर आप इंस्टॉल मत कर लीजिए वरना नुकसान आपका होगा, डाटा आपका हैक होगा, इरिटेट आप होंगे, फ़ोन रिसेट आपको करना पड़ेगा, डाटा लॉस आपका होगा और फ़ायदा वो अकेला बंदा लेता रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स
करते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। हालांकि मैं खुद एक डेवलपर हूँ, लेकिन ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के बताया। और भविष्य में अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो उसका एक ही उपाय है, आपको अपने फ़ोन को रिसेट करना है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, हो रहा है अभी भी, ठीक है, तो एक से दो दिन देखिए, सच में अगर ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, एक दिन में ही पता चल जाता है बहुत ऐड आते हैं, ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे अपने फ़ोन को रिसेट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप फ़ोन को रिसेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके पर्सनल डाटा वो हैक कर रहा हो, मे भी हो सकता है कहीं सेल कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, कुछ भी, क्योंकि पर्सनल वीडियोस सबके फ़ोन में कुछ पर्सनल रहता ही रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, कभी भी भविष्य में कुछ इंस्टॉल करने से पहले सोचिए, समझिए। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन जो रहते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, तो प्ले स्टोर के एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।